काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे बच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पूर्व ऐसे आदर्श विद्यार्थी के पांच लक्षण बताए हैं जिनको अपनाकर एक विद्यार्थी यशस्वी हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, प्रतिभावान हो सकते हैं, अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। वो एक कुशल शिक्षक थे, एक राजनेता थे, एक अर्थशास्त्री थे, बहुत सारे गुणों से पूर्ण थे आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य के जो हजारों साल पूर्व बताए गए उसका नीति था, उसका नियम था, जो आज भी पूरी तरह वैलिड है। तो आइए आज जानते हैं महान शिक्षक आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए आदर्श विद्यार्थी के पांच लक्षण के बारे में। उन्होंने बताया कि काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। सबसे पहले आते हैं काग चेष्टा। तो समझते हैं काग चेष्टा, काग मीन्स कौवा क्रो और चेष्टा मीन्स इफोर्ट्स। एक विद्यार्थी के कौवे की तरह उनका इफोर्ट होना चाहिए। एक विद्यार्थी, आपने देखा होगा कि कौवे को अगर हम रोटी का टुकड़ा फेंक के देते हैं आकाश में तो जमीन से गिरने से पहले उसको पकड़ लेते हैं। आप सभी ने सुना ही होगा कि एक कौवा अपने प्यास को कैसे मिटाते हैं। एक घड़े में थोड़ा सा पानी रहते हैं, उसमें कंकर डाल डाल के उस वाटर लेवल को ऊपर लाते हैं और अपने प्यास को बुझाते हैं, खुद तृप्त होते हैं। तो एक विद्यार्थी को भी कौवे के समान होना चाहिए। उनको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंस इफोर्ट उसको डालना चाहिए। एक विद्यार्थी को इसे दो बातें हमें सीखना चाहिए कि एक क्रिएटिविटी और दूसरा कंसिस्टेंट इफोर्ट्स। लगातार एक विद्यार्थी को अपने ऊपर कार्य करना चाहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। एक विद्यार्थी को हमेशा एक जागरूक होना चाहिए। इस काग चेष्टा से हम सीख सकते हैं। नंबर दो, बको ध्यानम। बको मीन्स बकुला, ध्यानम मीन्स ध्यान, कंसंट्रेशन। आपने एक बकुले को शिकार करते हुए देखा है क्या? एक बकुला लंबे समय तक एक पैड पर खड़े होके पानी के अंदर मछली पे ध्यान लगाए रहता है और जैसे उसको मछली दिखता है एक बिजली के रफ्तार में उसको अटैक करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, फिर उस मछली को एंजॉय करते हैं। इसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने गोल पे एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको अपना कंसंट्रेशन फोकस रखना चाहिए और जब अपने गोल को पा लेते हैं फिर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। नंबर थ्री, स्वान निंद्रा। स्वान मीन्स कुत्ता, निंद्रा मीन्स निंद। एक कुत्ते की समान, जैसे कुत्ता अपने कार्य के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है, उसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने पढ़ाई के प्रति वफादार होना चाहिए। एक कुत्ता अपने निंद को कंट्रोल में रखते हैं, ना कि वह खुद निंद के कंट्रोल में रहते हैं। इसी तरह विद्यार्थी को भी निंद पे कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहे तब वो जाग जाए, थोड़ी सी हलचल हो तो वो जाग जाए, ऐसे होने चाहिए। और एक विद्यार्थी को 6-7 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा का नींद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोने से उसको आलस्य आएगा और वो अपने पढ़ाई के प्रति, अपने गोल के प्रति फोकस नहीं रह पाएगा, ज्यादा समय नहीं दे पाएगा। नंबर चार, अल्पहारी। अल्प मीन्स थोड़ा कम और हारी मीन्स जो आहार को सेवन करे। इसलिए विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए, खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। भले 2 टाइम की जगह 3 टाइम खाना खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे क्या होता है, अगर ज्यादा हम खाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन पूरा पेट अगर भर के खाएंगे तो हमारा माइंड ज्यादा काम करने के बजाय हमारे पेट पे काम करेगा उस खाने के पचाने में। इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए और खाना संतुलित बैलेंस डाइट खाना चाहिए। और ये जो जंक फूड वगैरह आते हैं वो जंक फूड तो विद्यार्थी को ना के बराबर खाना चाहिए। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहेगा, आपका पेट अगर ठीक रहेगा तो माइंड ऑटोमेटिकली अच्छी तरह काम करेगा, फोकस्ड होके काम करेगा, कंसंट्रेट होके आप पढ़ाई करो। नंबर पांच, लास्ट वन, गृह त्यागी। एक विद्यार्थी को तो त्यागी होना ही चाहिए, लेकिन यहां बात हो रहा है गृह त्यागी का। गृह मीन्स घर का त्याग करने का। तो जब भी ऐसा मौका मिले विद्यार्थी को अपने गृह को भी, घर को भी त्यागना चाहिए, अपने परिवार की मोह से भी बाहर निकल के अपने लाइफ को
एक अच्छे मुकाम तक पहचाना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलेंगे अच्छे पढ़ाई करने के लिए, अच्छे संस्थान में जाने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तभी आप लाइफ में बेहतरीन कर पाएंगे। तो एक विद्यार्थी को गृह त्यागी भी होना चाहिए। ऐसे भी अगर घर में भी अगर आप हैं तो घर में अपने बेड पे बैठ के ना पढ़ें, अपने एकांत में एक टेबल चेयर का व्यवस्था करें या तो फिर जमीन पे पलाठी मार के ही विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। तो ये सारे थे 5 ऐसे नियम जो आचार्य चाणक्य ने एक विद्यार्थी के लिए बताया है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो अपने लाइफ में एक यशस्वी बन सकते हैं, एक आप ओजस्वी बन सकते हैं, एक आप सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अपने लाइफ को एक ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है विद्यार्थीगण से कि आप इस लक्षण को अपनाएं, अपने अंदर आत्मसात करें और अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल करें, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, संपूर्ण मानव जगत के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करें और इस संसार को, मानव जगत का सेवा करें। धन्यवाद।